एबीपीएस न्यूज। एबीपीएस न्यूज टीम का अगला पड़ाव जनपद हाथरस के ब्लॉक मुरसान में स्थित महामोनी गांव पहुंचा। इस गांव की दूरी ब्लॉक से 7 किलोमीटर तो वहीं जिला मुख्यालय से 4 किलोमीटर है। लगभग 1320 की आबादी व 914 वोटरों द्वारा राजकुमार को अपना ग्राम प्रधान चुनकर गांव के विकास की जिम्मेदारी सौंपी है। वर्तमान समय में गांव में लगभग 256 राशन कार्ड धारक लाभार्थी हैं। गांव में शिक्षा के स्तर की बात करें तो प्राइमरी पाठशाला में लगभग 70 बच्चे शिक्षा ग्रहण करने आ रहे हैं। गांव में विकास कार्यों की बात करें तो पेयजल आपूर्ति व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए 23 हैंडपंप लगे हुए हैं। वर्तमान प्रधान द्वारा 2 खराब हैंडपंपों को भी रिवर कराया गया है। वहीं विद्युत व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए गांव में 100 विद्युत पोल, 12 विद्युत ट्रांसफार्मर व 16 लाइट भी लगी हुई हैं। वर्तमान प्रधान द्वारा गांव में 5 सीसी टाइल्स रोड, खडंजे, पानी निकासी के लिए नाली व चक्रोड का निर्माण कराया गया है तथा वर्तमान प्रधान की देखरेख में स्वच्छ भारत मिशन के तहत 157 इज्जत घरों का भी निर्माण कराया गया है। एबीपीएस न्यूज टीम से बात करते हुए ग्राम प्रधान ने गांव में पानी निकासी के लिए नाला, सीसी टाइल्स रोड, खडंजे, प्राइमरी स्कूल की बाउंड्री, शमशान घाट में मरम्मत कार्य, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास व स्वच्छ भारत मिशन के तहत इज्जत घरों के निर्माण की मांग राज्य व केंद्र सरकार से की है। राजकुमार, ग्राम महामोनी, ब्लॉक मुरसा, जिला हाथरस। 5 सीसी टाइल्स और तालाबी खुदाई, 157 शौचालय का निर्माण कराया है और पैसा कम आने कारण विकास कार्य रुकावट है। जैसे पैसा आएगा तो विकास कार्य कराए जाएंगे और जो प्राइमरी जो हमारे पंचायत में जो प्राइमरी विद्यालय है उसकी बाउंड्री बहुत छोटी है। उस बाउंड्री को शाम को स्कूल बंद हो जाने पर बच्चे कूद कर नुकसान करते हैं तो उसकी बाउंड्री दीवार बड़ी कराई जाए। हमारे गांव में बहुत गरीब भाई हैं, उनको आवास मिलने चाहिए। बरसात में निकलने बहुत रहने को घर नहीं है, बरसात निकलने बहुत परेशानी होती है और हमारी जो किस्त आती है वो बहुत कम है। वो हमारी किस्त बढ़ाई जाए, विकास कार्य बहुत ज़्यादा हैं, किस्त बढ़ाई जाए बढ़ेगी तो विकास कार्य कराए जाएंगे और किस्त नहीं बढ़ी तो विकास कार्य बहुत रुकावट पैदा हो रही है। और हम ये चाहते हैं कि बरसात में हमारे शमशान घाट में बहुत परेशानी होती है, वह बरसात उसमें टीन सेट उसका पूरी सौंदीकरण हो जाए जिससे बरसात में उस जखनान में कोई परेशानी ना हो और हमारे गांव में सोलर लाइट की व्यवस्था की जाए कि लाइट चली जाती है तो रात अंधेरे में बहुत परेशानी होती है। हमारे गांव में बहुत दिन पहले से 15 साल पहले स्वास्थ्य बना हुआ है, तब से अब तक आज तक उसमें कोई डॉक्टर नहीं आया। हम ये चाहते हैं उसमें डॉक्टर आ जाए और स्वास्थ्य जो बच्चे हैं जो बीमार होते हैं उनकी देखभाल की जाए।